जय सियाराम, सुबह की राम राम। आपको माता रानी धन्य धान्य से परिपूर्ण रखें, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। जय माता की, जय सियाराम। मैं रुद्र सरण महाराज उत्तर प्रदेश अयोध्या से विगत कई वर्षों से आप समस्त लोगों की सेवा कर रहा हूं। पराशोधक, उपासक, तंत्राचार और राष्ट्रीय सम्मान से आप लोगों के आशीर्वाद से सम्मानित किया गया हूं। यह आप लोगों का आशीर्वाद है। अपनी विद्याओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी जो मूल धरोहर आप तक पहुंचा रहा हूं कि ये विद्याएं हमारी लुप्त ना होने पाए। साथ ही मैं वही टोटके, वही प्रयोग आप तक पहुंचाता हूं जो प्रमाणिक हो। हम लोग उसको अजमा लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं कई लोगों पर, और जब सत्य पाते हैं तब आप लोगों के बीच देते हैं, ताकि हमारे भाई बहन, हमारे प्यारे ये जो परिवार के लोग, हमारे प्यारे दर्शक, कोई भी तंत्र मंत्र या टोटका करे तो उनका समय ना बर्बाद हो और साथ ही निराशा हाथ ना लगे। जब वो कुछ करे तो वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और उनका आशीर्वाद मुझे भी मिले कि भगवान हमारे गुरुजी को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को लंबी उम्र दे, उनकी वजह से आज मेरा ये कार्य बन गया। तो प्रयास यही रहता है। आज इसी कड़ी में हम बताएंगे कच्छप मणि। देवी और सज्जनों, आपने तो मणियों के बारे में सुना होगा, नील मणि, सर्प मणि, मीन मणि, गज मणि, ये मणि, वो मणि, तमाम मणियां। कच्छप मणि, कच्छप मणि क्या होता है? कछुआ, कछुआ होता है जो समुद्र में, नदियों में, बड़े तालाबों में पाया जाता है। और कछुए की आयु बहुत लंबी होती, हजारों हजारों वर्ष होती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आयु का ये जीव है। कश्यप मणि होती क्या है कि जब जितना पुराना कछुआ हो जाता है तो उसकी पीठ पे जो परत रहती है, लेयर बनती है, 1, 2, 3, 4 फोर लेयर, हजार वर्ष के ऊपर गया तो फोर लेयर बनती है। तो लेयर जैसे नाखून बढ़ते हैं, गिरते जाते हैं, उस तरीके से ये लेयर गिरी, ये लेयर गिरी। जब दूसरी आती है तो इसमें जैसे छोटे छोटे सीप जैसी मड़ियां रहती हैं, किसी की 12, किसी की 16, किसी की 17। तो वो जब झड़ती हैं, गिरती हैं, तो उसी को बोलते हैं कश्यप मणि। ये एक ऐसा जबरदस्त मणि होती है कि वास्तु के हिसाब से आप देखें, कछुआ रखते हैं ना लोग, कछुए की अंगूठी भी पहनते हैं, कछुआ नाना प्रकार के उसके क्रिस्टल के, हाँ, धातु के, मेटल के कछुए भी रखते हैं। तो ये कच्छप मणि आप सोच लीजिए, जब आप मेटल के रखते हैं या कांच के रखते हैं या क्रिस्टल के रखते हैं तो वो लाभकारी होते, तो ये कच्छप मणि कितना लाभकारी होगा। कश्यप मणि की विशेषता है कि ये जहां रहता है वहां लक्ष्मी को चुंबक के तरीके घसीटता है, पैसे की तरफ बड़ा आकर्षित होता है, ये धन को बहुत तेजी से खींचता है। और कश्यप मणि का रखने का तरीका ये है, बहुत से लोग लॉकेट में, आजकल तो आज ये क्या होता है, जापानी जैसे, जापानी, जापान में मोती की खेती होती, पहले तो मोती समुद्रों से मिलती थी, उसकी कीमत बहुत होती, आजकल खेती करना चालू कर दिए तो उसका वो प्रभाव नहीं रहता। आप 100 पीस बना के पहन सकते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। इसी तरीके कच्छप मणि आजकल बाजार में बहुत डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट है कि उसका आपको बस 100 पीस बना के रख सकते हैं, आत्मसंतुष्टि कर सकते हैं, उसका रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। और कश्यप मणि रखने का तरीका ही लोग नहीं बता पाते हैं। कश्यप मणि को कभी लोग लॉकेट में यहां पहनते हैं, लेकिन लॉकेट में जब पहने, चांदी में पहने, ये बच्चों को पहनाया जाता है जिनको नजर बहुत जल्दी लग जाती, भूत प्रेत बाधा ये सब बहुत रहती, उनको पहनाया जाता है। धन के लिए इसको, कश्यप मणि को, एक चांदी का आप एक बर्तन ले लें, जो हमारे भाई साहब नहीं खर्चा कर सकते हैं पैसा चांदी के लिए, तो वो एक शीशे का, वाइट शीशे का कोई बोतल या कुछ रख लें, उसके अंदर पानी और थोड़ा सा गुलाब जल, एक सुगंधित पानी बनाकर रखें और उसमें कच्छप मणि को डाल दें, क्योंकि इस जीव का स्थान जल है, ठीक है। तो जल से जब टच में रहेगा तब इसका रिएक्शन, एक्शन सब बहुत प्रभावी रहेगा, गुड आपके यहाँ एनर्जी देगा और
पैसे को आकर्षित करेगा, खींचेगा चुंबक के तरीके। चाहे जैसी दरिद्रता होगी, कर्ज से दबे पट्टे हो, रोजगार नहीं खुल रहा, कोई मार्ग नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बकाया कोई नहीं दे रहा है, तो इस प्रयोग से हो सकता है कि आपके ये सभी मार्ग खुल जाए। अब पूछेंगे कि गुरु जी इसके लिए विशेष मंत्र या इसको अपमंत्रित किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जैसे हम स्टोन करते हैं उसी तरीके इसको भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो इसके लिए कश्यप मंत्र और वरुण यानी जल के देवता जो हैं उनके बीज मंत्रों से, साथ ही माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को, इन सभी चीजों कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं, उनसे इनका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के बाद इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके इन मंत्रों से इनको एक्टिवेट किया जाता है, पावर दी जाती है, तब ये अपना पूरा प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे लाके रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे आप हीरा मोती पन्ना तो बहुत सारी ज्वेलरी की दुकान में भी रखा रहता है, कुछ होता है? नहीं होता। मूर्तिकार के बड़ी शॉप पे बड़े बड़े भगवान दुर्गा मैया काली माता हनुमान जी सबकी मूर्ति रखी रहती है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होते हैं? जब उन मूर्ति को लाते हैं 3-4 दिन की प्रतिक्रिया के बाद वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, तब उसके अंदर एनर्जी आती है। इसी तरीके स्टोन, मड़ियां, तावीज, यंत्र, ठीक है, जो भी चीजें हैं, जब तक का उसको एक्टिवेट यानी मंत्रों द्वारा उसके अंदर जान नहीं डाली जाएगी, प्राण नहीं डाला जाएगा, तब तक का वो अपना कार्य नहीं करेंगे। तो इसको अपमंत्रित करने के बाद, प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद तभी इसको उपयोग लाना चाहिए। और ये बहुत ही प्रभावी, बहुत ही अचूक, जबरदस्त, रखते ही आपके यहां देखेंगे इसका कितना प्रभाव आने लगता है। क्योंकि दुर्लभ चीज है और ये मार्केट में अभी जाओ तो आपको 1000, 1200, 1300 की मिल जाएगी, लेकिन वो सब बनी बनाई रहती है, उसका कोई अर्थ नहीं, पैसे मत खर्चा करिएगा, ठीक है। प्रमाणिक आपको जो समुद्र के अंदर, जो हर व्यक्ति नहीं, जो सिर्फ मड़ियों का काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से अगर आपका संपर्क हो तो उनको देख के आप मंगा सकते हैं, मंगा के फिर घर में ब्राह्मण बुला के आप इसको प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, उसका तरीका मैं बता दूंगा। अगर ये सब भी नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस लाइन से हैं, 12 से 15 पीस हम लोग अभी चालू हुई है बरसात माता भगवती की कृपा से, ये अभी 15 से 20 दिन पहले हम लोगों के पास बहुत ही प्रयास के बाद उड़ीसा से, उड़ीसा के जो समुद्र हैं वहाँ से हमारे एक बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, पुजारी हैं, उनसे मैंने बोल रखा था, तो वो व्यवस्था करके वहाँ से दिए, पूर्णता शुद्ध प्रमाणिक है। इस पे हम लोग लगातार प्राण प्रतिष्ठा का और मंत्रों के जाप का कार्य चल रहा है। अगर जो भाई बहन इसको ग्रहण करना चाहें वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या जाएं, उनका स्वागत है, उनको दे दिया जाएगा। जो नहीं आ सकते तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8726153903 इस पर ऑर्डर कर सकते हैं, या 74-97-98-28-80 इस पर ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कॉल, आप कॉल नंबर इस पर कर सकते हैं। अब सोच रहे हैं गुरु जी ये हो सकता है आपने ये बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस नहीं, आवश्यकता है आपकी, सोच बदलिए, आवश्यकता है ये आपकी, और आप वही काम करते हैं लेकिन अलग जाके करते हैं, भटकते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, डुप्लीकेट चीज पाते हैं। अगर मैं कोई चीज आपके लिए मंगा के शुद्ध करके प्रमाणिक चीज दे रहा हूं तो ये गुनाह नहीं है। और दूसरी बात, ना मैं किसी से कह रहा हूं कि आइए भैया हमसे ये पूजा करा लो, मुझे इतना दे दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भैया आइए मुझसे ये सामान खरीदिए ऐसा हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई आवश्यकता नहीं कि मेरे से कोई पूजा कराओ, कोई सामान लो, किसी प्रकार का हमको अनुदान दो, ठीक है, ये आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा है। और ना यहाँ कोई बिजनेस इस टाइप का चलता, दिमाग से निकाल देना। बस हमारे वो ये संदेश उन लोगों के जो हमारे वर्षों के हमारे फैमिली मेंबर बने हुए हैं और हमारे द्वारा उनके कई कार्य हुए हैं और लगातार हमारे संपर्क में है ऐसे लोगों के साथ,
मेरा कांटेक्ट नंबर इस फोन के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट नंबर पे भी कॉल करके भी ले सकता है और व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी कर सकता है। साथ ही कई वीडियो के अच्छे अच्छे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखकर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे अचूक उपाय जो छोटे हैं, अचूक हैं और लाभदायी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। एक बात बोले, अगर आपने मुझे समय दिया है तो निश्चित आज नहीं तो कल, माता रानी की सौगंध कि आप हमारे एक ना एक वीडियो से इतना बड़ा लाभ उठाएंगे, इतना बड़ा लाभ उठाएंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके लिए आप तरस रहे थे, जिसके लिए आप परेशान थे। क्योंकि सौगंध मैंने ऐसे नहीं खाया, सौगंध इसलिए खाया कि आप लोगों से हृदय से लगाव है और माता रानी के ऊपर मुझे विश्वास है, अपनी देवी के ऊपर कि आप पर कृपा जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? हमारा आपका संबंध ये वीडियो देखने, सब्सक्राइब करने, लाइक करने, कमेंट करने तक का नहीं है। आप अगर अपना कीमती समय निकालकर मुझे देखते हैं तो आप ये मुझ पर उपकार कर रहे हैं और हम पर उपकार करने वालों का, हमारे यहां जब प्रातःकाल 4 बजे से अनुष्ठान चलता है प्रतिदिन 3 घंटे का, तो जितने दर्शक हैं, जितने हमारे अच्छे दर्शक हैं, सबके लिए यहां हाजिरी लगाई जाती है कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके घर में सदा ही कल्याण करना मां भगवती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने ना देना। तो मां भगवती की इच्छा है भाई, वो करेगी। जिसको हमारी चिंता है उसकी चिंता मां भगवती करेगी। क्योंकि मैं सेवक हूं, मैं लड़ भी लेता हूं, रो भी लेता हूं, लिपट भी लेता हूं, किससे जाऊंगा कहने, क्योंकि वो अपनी है और लोग अपने दिल की बात अपनों से ही कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, माता रानी कल्याण करें।